Beautiful things don't ask for attention. इसके सिर पड़ गया। अबे ये उसके सिर। हेलो जी, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई उम्मीद है तुम सारे खैरियत से होगे, और अगर अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। फाइनल पेपर था आपके भाई का। हेलो जी। अच्छा ठीक है, बड़े दिनों बाद वापसी आए, क्योंकि यार आपको पता है आपका भाई जो है पेपर्स में काफी ज्यादा बिजी था। तो अब जो है हम लोग जो है वो फारिग हो गए और छुट्टियां हो गई, तो आज हमने बोला क्यों ना भाई चला जाए दवार। किधर ये देखो, गर्मी में बेचारा कितना पिघल रहा है। ये नहीं पिघल रहा, पिघल ये रहा है। हॉट बॉय है ना यार, तो जाहिर है पिघलेगा ये। हम सब जा रहे हैं, हम जोआ को छोड़ के जा रहे हैं। जोआ तुम्हें बहुत मिस करेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सॉरी बोलना तो ये था, जोआ की तबीयत खराब है इस वजह से जोआ नहीं जा रही। ये तो हर जगह चलता है हम लोगों के साथ। मिसाल होती है ना कि यार वो मैं अपनी मिसाल बना देता हूँ कि छोले के अंदर अगर इलायची निकल आई ना तो समझो ये वो इलायची है। टाइम भी तुम लोग देख सकते हो 5:15 होने, तो घर पहुँचते पहुँचते हमें जो है वो 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो निकलते हैं और मिलते हैं फिर तुम लोगों से। अभी हम लोग जो है वो मिलेनियम की साइड पर खड़े हुए, और यहाँ पे जो है पप्पा आने वाले, और यहाँ पे अम्मी ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। जवार साहब भी है और आप भी चल रही हैं। तो असल में पप्पा का इंतज़ार कर रहे हैं कि पप्पा आए, वो ऑफिस से डायरेक्ट हम लोग के साथ चलेंगे। तो वो अभी रास्ते में है, वो आते हैं फिर वो हमें ज्वाइन करेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। A few moments later वो आ रहे पीछे से, पप्पा ये आ गए रे। हम लोग घरों पहुंच चुके हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता है घरों आती है साथ, हम घरों के मशहूर पकौड़े तो लाजमी खाएंगे ना। हाँ, इसकी खासियत ये है कि इसके साथ जो होती है उतनी सी होती है डबल रोटी, ये आप खा दो इसके साथ। बाकी जो है भाई इन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, भाई हमारे कज़न आए हुए। हाँ भाई कैसी होता, ठीक हो? तुम ठीक हो? हम जब आप ठीक हो? इस बंदे ने जो है ना पूरी गाड़ी में चश्मा पहन के आया, ये जब तक सूरज रूप नहीं हो रहा तब तक ये बंदा चश्मा पहना रहा है। क्या बात है। अन्नान में क्या हाल है, ठीक हो आप? बस तो ये अभी तीन है, ये तीन हम लोग के साथ जा रहे हैं फार्म हाउस। तो अभी बाकी सारे भी ठट्टा वाले फार्म हाउस पहुँच रहे हैं, हम लोग ये खा के डायरेक्ट निकलते हैं फार्म हाउस के लिए। 20 minutes later है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भाई फार्म हाउस, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई एक से समझे 2 से 3 घंटे हमें लगे और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह घरों। और अब तुम लोग मैं जो है वो फार्म हाउस दिखा दूँ, पीछे तुम लोग देख सकते हो। तो ये हम लोग का फार्म हाउस, और ये पूल है जिसमें स्लाइड भी, और इतना बड़ा पूल है। ये स्टार्टिंग जो है ये 4 से स्टार्ट है और ये आगे जाके 6 हो जाएगी, तो मतलब इतनी डीप है इसकी। और बाकी पीछे जो है वो पिच वाला एरिया है, झूले वगैरह हैं, ये पूरे रूम्स वगैरह आ गए। फैमिली सारी इंजॉय कर रही है, अब सब इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी इंजॉय करते हैं। और तुम लोग को जो है पूरे फार्म की जो लुक है वो जाहिर है भाई सुबह के टाइम पे अच्छी दिखेगी। तो होप सो तुम लोगों को सुबह इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि क्या है। वैसे अभी भी नो डाउट भाई बहुत अच्छा तुम लोगों को दिख रहा है। बाकी हम लोग के जो है कजन्स वगैरह भी सभी आ चुके हैं तकरीबन, बस एक फैमिली रह गई, वो कराची से आ रही है, वो भी रास्ते में, तो वो भी आ जाए। उसके बाद तुम लोगों को सब कज़न से मिलवाता हूँ। और आज जो है ना मैं करने वाला हूँ भाई अपनी यूट्यूब लाइफ का सबसे पहला प्रैंक, ये तुम लोगों को मैं थोड़ा साइड पे चल के बताता हूँ। तो भाई देखो बात कुछ ऐसी है कि मैं करने वाला हूँ प्रैंक, और बड़ा कोई ख़तरनाक सा प्रैंक करने वाला हूँ। उसके लिए जो है ना ये जो बस एक बंदे की ज़रूरत है, उसको मैंने बोला था कि भाई मेरा ये काम करना और लाजमी लेकर आना। अब मैं उस बंदे को ढूंढता हूँ और उससे पूछता हूँ भाई क्या तुम वो चीज़ लाए हो, अगर वो लाया है तो फिर हम करेंगे अपना प्रैंक। फाइनली मैंने जो है आयुष भाई को यहाँ पे बुला दिया है, और अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि प्लान क्या है। तो आयुष भाई सबसे पहले भाई क्या हाल है आपके, ठीक हो? आयुष भाई आपसे मैंने काम बोला था करने के लिए, आपने किया है? बस उधर भाई आपको भी मैं सीन बताता हूँ कि करना क्या है। तो भाई सीन सारा ये है, सुनो तुम लोग सही है, हम लोग करने वाले हैं प्रैंक, सही है? और प्रैंक करने वाले हैं हम लोग पप्पू भाई के साथ, सही है? और वो जो प्रैंक है ना उसमें ये है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलने होंगे ना, तो अभी रुको थोड़ी देर में बताता हूँ।
हम लोग सामान का ना सर फाड़ेंगे, मतलब फाड़ेंगे सही तरीके से नहीं, मतलब सिर्फ ये करना होगा कि सामान के सर पे जाए हम लोग फोन लगाएंगे और फिर सामान जब हम लोग खेल ले होंगे ना तब कोई एक बच्चा जोर से ना चिल्ला के पप्पू भाईजान के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई सामान का सर फट गया। और बाकी उसके लिए जो है हम दो तीन मोबाइल जो है वो छुपा देंगे कहीं, सही है। एक जो होगा वो मेरे हाथ में होगा, वो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, सही है। ये सारी चीज़ तो मतलब एक्टिंग जो है ना वो बड़ी खतरनाक करनी है, सही है। अब ये हम करेंगे थोड़ी देर में जब क्रिकेट खेल लेंगे। अब मैंने भी तुम लोगों को बता दिया ये वाला हम प्रैंक करने वाले हैं भाई, जिस तरीके से तुम लोगों को पता है मैंने आज तक प्रैंक नहीं किया, और फर्स्ट टाइम जो मैं प्रैंक करने वाला हूँ ना वो मैं बड़ा खतरनाक करने वाला हूँ, और बंदा भी खतरनाक है भाई जिसके साथ में करने वाला हूँ। हाँ तो भाई अब तक अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कुछ ही मिनट्स में ना तुम लोगों को जो है खतरनाक सा प्रैंक मिलने वाला है। ओह माय गॉड, वाओ। तो भाई फाइनली टाइम आ गया है कि भाई आपका भाई भी अब जाएगा पानी में और छलांग मारेगा। जितने भी हैं सामने जो हैं वो सब पानी में जा चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो कि पूरा जो पूल है ना वो भर चुका है। अब आपका भाई जाके पूरे पूल का पानी जो है ना वो बाहर निकाल देगा। वो कैसे निकालेगा क्योंकि छलांग मारेगा यार। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। भाई खाना लग चुका है जिस तरह तुम लोगों को पता है, और हम लोगों ने यहाँ पे अलग से लेके बैठ गए हैं उदयर भाई के साथ, दवार भी आ गए और पीछे तुम लोग देख सकते हो सारी फैमिली वाले उधर बैठ गए और हम लोग जो है यहाँ बैठ के खा रहे हैं। तो खाना वाना खाते हैं फिर तुम लोगों से मिलते हैं और तुम लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। यार अब तुम लोगों को पता है जिस तरीके से हमने बोला था प्रैंक करेंगे तो अब स्टार्ट हो चुका है, तो रेडी हो जाओ। हंस क्यों रहे हो यार सारे? यार इसी के साथ हो गया हमारा प्रैंक सक्सेसफुल हो गया और काफी ज्यादा मजा आया होगा तुम लोगों। पप्पू भाईजान हमने थोड़ा सा मजाक किया था, बुरा तो नहीं माना आपने? वो तो है, परेशान हो जाते। हमने बोला कि ना पप्पू भाईजान के साथ थोड़ा सा प्रैंक कर दे। जब मैंने तुम्हारे हाथ में ये कलर देखा ना तो मैं समझ गया ये क्या बात है। वो बेवकूफ बाप भी तो गया था ना। तुम आगे क्यों थे यार? जल्दी जाके आप ही जो है ना वो खास आई थी फार्म हाउस सिर्फ और सिर्फ उसको ये स्लाइड करनी थी इस वजह से, तो अभी ये चढ़ गई है स्लाइड करने के लिए। वो तुम लोग देख सकते हो ये इतना बड़ा इसके अंदर जिगरा है, मैंने तो नहीं लिया। आप देखते हैं ये कर पाती है और क्या, क्योंकि यहाँ जो है ना काफी ज्यादा डीप है। तो अब आती है आप ही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गई 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 गई। मजा आया फिर स्लाइड में? मजा आया। कैमरा बंद कर दे। मेरे मुंह का हाल देख, दिखाओ दिखाओ क्या किया, क्या कर रहा है इसने। मैं खुद डूब रहा हूँ।
है इसकी है। इसका मुंह देखो, मुंह मेरे ऊपर एक तो चढ़ के बैठी है कंधों पे, मैं खुद पानी के अंदर जा रहा हूँ। चल एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, पांच कट, अबे कितने अभी तुमने इसके कट लगा दिए यार। नाखून देगा तुम्हारे, बचाओ बचाओ, तो बचा रहा अभी अभी तुम बालों से पकड़ पकड़ के ऊपर कर रहा हूँ, मैं खुद डूब रहा हूँ, मेरे ऊपर आके तुम बैठ रही हो, मुझे सिखाओगे तो फड्डा हो गया, फड्डा हो गया। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। हम लोग सारे गए थे, हम सारे कजन जो है ना, ये सारे जो जो खड़े हुए हैं इनके अलावा और भी थे, हम सारे गए थे भाई अभी अपने फार्म हाउस से थोड़ा दूर घरों की साइड पे, और अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हो गया। वो ये हुआ है कि ये देख सकते हो तुम लोग, ये थी करोला हमारे भाई कजन की, सुभान साहब की। सुभान साहब जो है ड्राइव कर रहे थे। सुभान साहब बाकी का सीन आप बता दें कि हुआ क्या है। भाई गाड़ी चल रही थी, बोनट खुला हुआ था इसका। अच्छा चलती गाड़ी ऊपर अगली स्क्रीन। ओए होए, मतलब तुम लोगों को मैं समझाता हूँ कि कैसे हुआ था कि ये जो बोनेट है ना ये खुला हुआ था, मतलब ये ना ऐसे बंद था लेकिन लॉक नहीं हुआ हुआ था, ये ऐसी बात है ना। हाँ तो ये चलती हुई गाड़ी में, और माशाल्लाह से कितने की स्पीड में चला रहे थे आप? 80 मतलब 100 की स्पीड में मैक्सिमम चला रहा था। तो ये स्पीड से इतनी गाड़ी थी कि हवा भी है, और हवा बड़ी ख़तरनाक चल रही है यहाँ पे। तो ये हवा ने ना बड़ा उसको ना ज़ोर से खींचा, और ये डायरेक्ट जो है ना शीशे पे मार दिया। अब इसकी वजह से देख सकते हो शीशे पे क्रैक भी आ चुका है, और साइड से जो है वो थोड़ा सा जो फेंडर है ना, फेंडर की बचत हो गई, मतलब ये समझो ये जो बोनेट है ना ये अपनी जगह से हिल गया, बाकी शीशा टूट गया थोड़ा सा, तो शीशा तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन भाई अच्छी बात है बच गए, जान बच गए बस। और ऊपर से भी देखो, ऊपर से भी ये गाड़ी जो है दब गई। तो खैर भाई अभी यहाँ से तुम्हें बड़ा सफ़र करके वापसी कराची भी जाना है, तो देख लो चली जाएगी। चलो भाई इंशाल्लाह चली जाएगी। बाकी तुम लोगों ने देखा गाड़ी की हालत जो है क्या हुई है, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है जान बच गई, बस गाड़ी की खैर है। Meanwhile, तो भाई इसी के साथ हो गए सुबह, और सुबह के तुम नज़ारे देखो तुम लोग यार, क्या चमैक्सी हो रहे हैं माशाल्लाह से यार, क्या हो रहा है। उस साइड जो था वो हमारा पूल था, और इस साइड जो है ये हमारा फार्म हाउस का हाउस है छोटा सा, और यहाँ सारी अभी फैमिली बैठी हुई है, और यहाँ सारा कार पोरेज है, गाड़ी खड़ी हुई है। और तो भाई अभी है भाई नाश्ते का सीन, तो नाश्ता तुम लोगों को दिखाते हैं नाश्ते में क्या क्या, नाश्ते में क्या क्या बनाया है। और ये तेल है, ये तेल। तुम लोग अगर बिना सब्सक्राइब करे ये वीडियो देख रहे हो, व्लॉग देख रहे हो ना, तो ये जो गरम गरम तेल है ना इसी में जो है ना तुम लोगों को सबको फेंक दूंगा मैं, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो, इतना अच्छा तुम लोगों को व्लॉग दिखाया मैंने यार। तो खैर एनीवेज तुम लोगों को पता है कि आज जो है वो नाश्ते में क्या क्या हम लोगों के पास, तो अभी लाइव पूरी बन रही है, और तरकारी है, हलवा है, ये सारी चीज़ें, तो अभी तुम लोगों को दिखाते हैं पूरी की प्रिपरेशन। नाश्ता रखा हुआ है, कर लिया। मैंने सोचा कि तुम लोगों को मैं जो हूँ फार्म हाउस पूरा दिखाता हूँ कि कैसा फार्म हाउस है और क्या फार्म हाउस है। तो भाई सबसे पहले जो है ये था इन लोगों का पूल, जो कि तुम लोग देख सकते हो कि स्लाइड भी थी, और काफ़ी साफ़ सुथरा पानी था, मतलब ये नहीं कि ग्रीन पानी हो रहा था या ये वो एक्सपोजेड, तुम लोग देखो कितना साफ़ सुथरा पानी था, बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूँ क्रिस्टल वाइट होता है ना वो कलर है। और सामने जो है वो ग्राउंड वगैरह है कुछ इस टाइप की, यहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह है, सेलिब्रेशन आपको जो करनी हो वो कर सकते हो। बाकी अंदर चलते हैं, तो अंदर भाई रूम थे हमारे पास, एक रूम ये था, एक रूम ये था, किचन, वॉशरूम, और ये उधर भाई है। अरे भाई क्या हो गया, तबीयत वबीयत ख़राब हो रही है क्या, हैं बुखार लग रहा है तुम्हें? ओए होए होए होए, काफ़ी गर्म हो रहे हो तुम, मुझे पता है तुम क्यों गर्म हो रहे हो। नॉटी नॉटी, यू टीजिंग मी, यू नॉटी नॉटी। तो यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ आपकी आती है भाई क्रिकेट पिच, जो कि क्रिकेट खेलने की जगह है, अच्छी खासी जगह है, और यहाँ से जो है भाई वही जगह और बाहर की।
तो ये था हमारा एक छोटा सा फार्म हाउस का व्लॉग, तो उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब हम जो हैं भाई यहाँ पे चाय वाय सारा सीन चल रहा है, चाय वगैरह सारे पी रहे हैं, चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। और ये सारी सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई तुम लोग देख सकते हो। तब हम भाई हम निकलने की करेंगे यहाँ से, ज़ाहिर है यहाँ से हमें निकलना है कराची, तो एक से डेढ़ घंटा तो हमें लाजमी लगेगा। ओए जरा इधर 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 है क्या खपे, बोल बोल खपे दोगे, खपे दोगे येट बोल येट बोल। अच्छा तू बुदा ऐसा अगर हले तो ना है, आए आए ये जा रहे हम लोग अगर रुकने के लिए। तो भाई इसके साथ भी हम एक व्लॉग बनाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, बस अब्दुल आदि आ रहे हैं हम लोग के घर पे, तो हम भाई यहीं पर ही करते हैं अपना व्लॉग एंड। ओए होए ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी पूरी रात माशाल्लाह से, पूरी सुबह तक जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल मिला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें इन्वायरमेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें मौसम मिला, बहुत मज़ा आया हमें। और मतलब जो हमने सोचा था ना कि यार बारिश का सीज़न है, हमें मच्छर वगैरह तंग करेंगे ये सारी चीज़ें, नो डाउट किसी ने भी तंग नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट पिकनिक हो गई हमारी, किसी की तरफ से भी शिकायत नहीं आई। करते हैं अपना व्लॉग एंड, तो उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज।